आज की रेसिपी में हम बनाएंगे नमक पारे यानी सिंघाड़ा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते तो हैं। हमने 1 किलो का इसमें बना रहे हैं। 1 किलो मैदा हमने ले लिया है। और फ्रेंड्स, इसमें इसके बाद हम डाल है काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालें। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काला नमक। काला नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन है, अजवाइन को थोड़ा क्रश कर देंगे, मसल देंगे हथेलियों से, और इसके बाद इसमें डालेंगे। और अजवाइन ना अगर डालना चाहते हो तो आप लोग जीरा भी डाल सकते हो। इसके बाद हमने लिया सादा नमक। तो इस सादा नमक यानी हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंधा नमक इसमें हम डाल रहे हैं। आप लोग नॉर्मल नमक डालते हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने ऑयल ले लिया है। तो जिस ऑयल में हम फ्राई करेंगे उसी ऑयल में से हमने निकाल करके ऑयल ले लिया है। और ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, 1 कटोरी हमने ऑयल लिया है। कहें तो इसमें कम से कम 150 ग्राम ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पूरा अभी नहीं डाला है, पहले इसको मिला लूँगी। और मिलाने के बाद थोड़े से अभी मैं सूजी डालूँगी। तो सूजी जो है 4 बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे। 1 केजी है तो 4 बड़े चम्मच हम डालेंगे। आधा केजी है तो 2 चम्मच डालेंगे। अगर 2 केजी है तो 8 चम्मच डालेंगे। इस मेजरमेंट से आप लोग बनाएंगे। इसके बाद सूजी भी इसमें हम मिला देंगे। बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पी बन जाएगा सूजी से। सूजी आप देख लो, आप लोग देखिएगा डाल करके, बहुत ही अच्छा, मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब इसके बाद इन सबको हम मिला लेंगे। तो अभी थोड़ा हमने ऑयल हम कम लग रहा था तो पूरा ऑयल इसमें हम डाल देंगे। 150 ग्राम के ऑयल थे इसमें हम डाल देंगे। अब इनको हम मिला लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। तेल अच्छे मिलने चाहिए जो आटा है, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए या एक हाथ से इस्तेमाल करते इसको अच्छे से मिला लेना है। तो इसमें हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आटा ज़्यादा है, इसे दोनों हाथों से इसको हम मसल करके अच्छे से मिलाएंगे। और जब मसलते जाएंगे तो ये अपने आप पता लग जाता है कि आटा ये तैयार हो गया, क्योंकि ये बाइंड होने लगते हैं। देखिए, ऐसे हम थोड़ा भी दबा नहीं रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं आटे को, ये बाइंड हो रहा है। इस तरह से एक देखिए लड्डू लड्डू बन जा रहा है। तो अगर ऐसे बन जाए बिना दबाए हुए अगर बन रहा है, तो ये समझ लीजिए आपका आटा जो बन गया से एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इस आटे को हम गूंथ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए अच्छे से आटे को मिला लिया है। ऐसे लड्डू बन जाए तो आप लोग समझ लीजिए आटा बढ़िया तैयार है। दबा कर मत बनाइएगा, दबा कर तो बन जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर बन जाए तब ये आटा हमारा तैयार है। अब इसके बाद इसमें पानी डाल करके इसका हम डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो डो होगा वो भी नरम आटा इसका नहीं होना चाहिए। और इसमें एक खास ट्रिक ये है कि आटा ज़्यादा गूंथना भी नहीं है। बहुत लोग मसल मसल के गूंथते हैं, तो उस तरह से आटे को ना गूंथा जाए। इस आटे को हल्क मतलब ज़्यादा नहीं से पानी थोड़ा थोड़ा मिला करके बस इसको हम अच्छे से मिला दें, मतलब बाइंड हो जाए एकदम, एक मतलब आटा एकजुट हो जाए, मतलब ये करना है। आप लोग देख पा रहे हैं आटा एकजुट हो गया है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा मसल मसल करके नहीं गूँथ रही हूँ। देखिए बस इस तरह से करके ज़्यादा नहीं गूँथेंगे। अब ऐसे ही मिला उला करके इसको ढक करके रखेंगे। इस तरह से करके आप लोग भी ढक करके रख दीजिएगा। मैंने ज़्यादा इसमें मेहनत का नहीं किया है। अब इस तरह से टाइट आटा होना चाहिए, जितना टाइट होगा उतनी क्रिस्पी बनेंगे। इसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रख दिए थे, क्योंकि 10 मिनट रखने से जो सूजी है ना फूल जाएगी, क्योंकि सूजी फूलती है। अब सूजी फूल गई है, अब थोड़ा सा इसको हम मतलब बहुत ज़्यादा देखिए गूँथेंगे नहीं, मतलब ये है थोड़ा हम इसको चिकना करेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों से, अगर ज़्यादा है तो भाई इस तरह करना पड़ेगा, अगर थोड़ा कम है तो आप एक हाथों से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा है तो इस तरह से हम कर करके देखिए हो गया मेरा आटा एकदम बढ़िया से तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोइयां बना लेंगे। तो बड़ी बड़ी लोइयां बना लेंगे, क्योंकि वो जो होता है ना, जो किचन का जो स्लैब होता है उसी पे हम बनाएंगे। तो उस पर बनाने से अच्छे से बन जाता है, और पूरा जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा उसको बेल सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े चकला बना लेंगे। इसमें देखिए बड़ी बड़ी लोइयां लिए हैं, आप लोग इसे भी बड़ा ले सकते हैं। और एक ही मतलब ये 2 बार में ही बन जाएगा। तो इस तरह से बना करके हम रख लेते हैं। अब चलते हैं किचन के स्लैब पे। अब जितना आटा है उतना प्लेट से ढके रहेंगे। अब इधर देखिए आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको बेलेंगे। इसमें बिल्कुल भी ना आटा लगाना है ना कोई तेल लगाना है, ऐसे ही इसको बेलते जाएंगे, क्योंकि इस पूरा टाइट डो है
टाइट आटा है तो ये अपने आप निकलता जाएगा, बिल्कुल भी चिपकता ही नहीं है। देखिए इतना बड़ा हमने बेल लिया है, आप लोग इससे भी बड़ा बेलना चाहे तो बेल सकते हैं। देखिए इतनी पतली, मतलब इसकी लेयर कितनी पतली है, जिस तरह रोटी बनाते हैं हम ना पतली पतली, उसी तरह इसको बेलना है। जितना पतला बने बेलेंगे उतने क्रिस्पी बनेंगे। तब इसके बाद हम इसको सीधी साइज में पहले काट लेंगे, एकदम मार्केट में भी इसी तरह बिकते हैं। आप लोग घर पे बना करके बहुत सारा रख सकते हैं, और घर पे बना हुआ तो अलग ही बात होती है, मार्केट से कितना भी खरीद लाओ तो मतलब मालूम नहीं पड़ता, वो ख़त्म हो जाता है। अगर घर पे ऐसे बनाना उसी तरह स्वाद मिले तो ज़्यादा बना करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से तिरछी लाइन में इसको काटते जाएंगे। अब इसको ये पलटी की सहायता से इसको निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। अब इसी तरह से एक और हम बेल कर बता दिखा दे रहे हैं। तो इसका कोई ये नहीं है, साइज नहीं है कि किस तरह से चौड़ाई में चाहे गोलाई में, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बेल जाए मतलब उसको उस तरह से आप लोग बेल लीजिए। देखिए और इसको भी हम निकाल लेते हैं। अभी मैं सबको बना कर एक साथ दिखाऊंगी। तो देखिए हमने दो थालियों में इसको बना करके रख लिया है, बिल्कुल भी चिपकने वाला नहीं है। तो इसीलिए एक ही में हम रख सकते हैं, दो थाली में भी रख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पेपर ऊपर देखिए हमने नहीं इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद चलते हैं, तेल गर्म हो गया है। अब तेल हमारा कैसा गर्म होना चाहिए ये भी देखना है, क्योंकि तेल ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, जिससे मतलब पूरी हम लोग फ्राई करते हैं ना पूरी, उसी तरह से होना चाहिए। देखिए तेल गर्म है, एक हमने डाल कर देख लिया है, और जब ये ऊपर उठ जाए समझ लीजिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसको हम पलटे से निकाल निकाल करके डालते जाएंगे। ये चिपके हुए हैं अभी लग रहा है, लेकिन जब तेल में जाएंगे सब अलग अलग हो जाएंगे। तो लोग देख पा रहे हैं तेल में सब मतलब पूरा अलग अलग हो गए हैं, और इसको हम चलाते रहेंगे, जिसे इसको उलटते पलटते रहेंगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि एक साइड मतलब जल गया एक साइड अच्छे से नहीं हुआ, तो इसीलिए दोनों साइड से अच्छे से इसको सीख लेंगे चला करके। और जब इसमें जो बबल एकदम कम हो जाएंगे तब समझ लीजिए अच्छे से सीख गया। तो आप लोग दिख रहे हैं बिल्कुल भी इसमें बबल अब नहीं आ रहे हैं, यानी ये हमारा जो नमक पारा है बढ़िया से तैयार हो गया है। फ्रेंड्स कई कई जगहों पर इसको सेवड़ा भी बोलते हैं, अक्सर हम लोग सेवड़ा ही बोलते हैं, नमक पारा भी बोलते हैं लेकिन सेवड़ा हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो आप लोगों की साइड में ऐसे क्या बोलते हैं आप जरूर बताइएगा। तो देखिए हमने निकाल लिया है, और जिस थाली में हमने आटा गूंथ के रखा जाता है तो वही थाली है, उसमें हम निकाल लेंगे इसको, और इसी तरह से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, जिस तरह से मतलब हम लोग पूड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से तेल होना चाहिए, क्योंकि पूड़ी की तरह ये भी है पतले पतले लेयर में। तो उसी तरह से इसको भी हम तेल गरम करके उसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं मछली फ्राई कर लिए हैं, हमारा ये नमक पारा एकदम बढ़िया तैयार हो गया। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और थोड़ी सी चाट मसाला डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। फ्रेंड्स ये देखिएगा इतना अच्छा एकदम से तैयार होगा, इतना अच्छा चटपटा लगेगा कि मार्केट का आप लोग खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, और इस तरह से बना लेंगे नमक पारे को। तो फ्रेंड्स आप लोग अब तक हमारी वीडियो पे बने रहे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।